देश भर में आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन के मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों से भी वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जल जीवन कोष के तहत ग्रामीण इलाकों में घरों, स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और नल लगवाए जाएंगे। घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की कमान इस सप्ताह उसके नए मालिक को सौंप दी जाएगी। नए मालिक का फैसला इस सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के पैनल में किया जाएगा। संभव यह है कि एक सप्ताह बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो और सरकार टाटा ग्रुप को दोबारा एयर इंडिया की कमान सौंप दे। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 234 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 25,455 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी सर्कल, सचिवालय और PCC पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। आज जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। बालोतरा के ग्राम पंचायत असोत्रा में बुधाराम सरगरा राजकीय सेवा वन विभाग में अपनी 35 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा देकर सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने कहा, समाज में शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, जिनसे आधुनिक दौर के युग में शिक्षा के कारण समाज पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में मानसूनी गतिविधियों में 5 अक्टूबर के बाद कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं स्थापित होने से 5 अक्टूबर के आसपास वायुमंडल के निचले स्तर में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल पर जहां 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं डीजल पर 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत 109.14 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है तो वहीं डीजल की कीमत 99.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है।